एशिया कप के सुपरहिट मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। रविवार को हुए दुबई में खेले गए इस मैच में आखिरी ओवर तक चली जंग में टीम इंडिया को जीत मिली। मैच के बाद पाकिस्तानी फैंस अलग अलग रिएक्शन करते हुए नजर आए। इन्हीं में से एक स्पेशल रिएक्शन मोमिन शाकिब का देखने के लिए मिला। मोमिन शाकिब वही शख्स हैं जो 2019 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार के बाद सोशल मीडिया पर छा गए थे। मोमिन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो गजब का रिएक्शन देते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं, क्या करें, अब बाबर भी आउट हो गया, रिजवान भी गया, मेरे लिए एम्बुलेंस ले आओ। बड़े हालात खराब लग रहे हैं, बाबर भी आउट हो गया, रिजवान भी आउट हो गया, मेरी तो तबीयत बड़ी खराब हो गई है। मैंने कहा मुझे ले जाओ किसी एम्बुलेंस के पास ले जाओ, दुआ करें हम जीत जाए, उठाओ यार, दुआ करें हम जीत जाए। बीपी मेरा बड़ा लो हो गया, एवरीथिंग इज ओके, यू थिंक वी विल विन, दुआ करें आप लोग, दुआ करें यार। इसके अलावा मोमिन एक और वीडियो में रोते हुए नजर आए हैं। इस वीडियो में मैच के बाद वो टिश्यू से अपने आंसू पोंछते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पे जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। मैच खत्म होने के बाद मोमिन शाकिब ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली और भारत को मैच जिताने वाले हार्दिक पांड्या के साथ मुलाकात की। विराट कोहली से बात करते हुए मोमिन ने कहा कि उम्मीद है कि दोनों टीम्स फाइनल में फिर से मिलेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।